एक भारत वो जो एसी में अपनी जिंदगी गुजारता है, चाहे वो घर हो या गाड़ी, और एक भारत वो जिसका ना कोई खाने का ठिकाना है और ना ही रहने का। नमस्कार, स्वागत है आपका यान टीवी में। मैं हूँ आपके साथ कौशल किशोर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे देश के गरीब रिक्शा वालों की, जो तपती गर्मी में दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पेट की भूख अपनी भूख मिटाने के लिए क्या क्या नहीं करता है, ऐसे ही है हमारे देश के रिक्शा चलाने वाले, जिन्हें दो वक्त की रोटी भी मिल जाए तो मानो बहुत है। चाहे कितनी भी कड़ाके की ठंड हो, मूसलाधार बारिश हो या तपती गर्मी ही क्यों ना हो, खाने की भूख ना तो मौसम देखती है और ना ही वक्त। आपका नाम क्या है? धनंजय मंडल। हाँ तो धनंजय जी, आप एक दिन में कितना कमा लेते हैं? 200-300 रुपये हो जाता है सर। 200-300। परिवार का गुजारा हो रहा था उतने में? क्या करे, गुजारा तो नहीं हो रहा, पर मेहनत तो करना पड़ रहा है। मेहनत करना पड़ रहा है जी। इस करे भी तो करे क्या, बेलदारी करते हैं तो उसमें ठेकेदार पैसे नहीं देता है, 15 तारीख को देगा तो 1 महीने के बाद देगा, इसमें नगद पैसे हो जाता है, इसलिए रिक्शा चलाना पड़ता है। क्या करे, रिक्शा वाले कोई वैल्यू वैसा नहीं है, कोई भी गाली देकर चला जाता है। मतलब बच्चों की फीस या बीवी के खर्चे सारे इससे निकल जाते हैं? कुछ माइनस करना पड़ता है, उसमें बचता नहीं है खास, मतलब कुछ गरीबी के हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है। क्या करे, करना पड़ेगा, जिस हिसाब से चल रहे हैं तो उस हिसाब से चलना पड़ेगा, रोजी रोटी तो कमाना पड़ेगा किसी तरह। और आप इतने कितने कमा लेते हैं? 200-250 रुपये कमा। 250 रुपये गुजारा हो जाता है? नहीं, 250 रुपये में कहाँ गुजारा होता है। हाँ, घर का पालन पोषण होता है? नहीं, अभी नहीं होता, अभी ऐसे कम बेलदारी चलता रहता है, पैसा कभी कभी मार देता है तो पैसा नहीं गुजरता, इसलिए रिक्शा आके खींच रहे हैं दिल्ली में आकर। घर से दूर होके मतलब लोग मेहनत कर रहे हैं और उतने में गुजारा भी नहीं हो पा रहा है आप लोगों का। कमजोरों पर ताकत दिखाना और गरीबों पर अत्याचार करना, यही तो इस दुनिया की रीत रही है। जो रिक्शा वाला सारा दिन मेहनत करके अपने आप को झोंक देता है दो वक्त की रोटी के लिए, ऐसे मेहनती लोगों को इस दुनिया का अत्याचार भी सहना पड़ता है। इतनी कठिन परिश्रम करने वाले रिक्शा वालों को पुलिस की लाठी से लेकर लोगों की गालियां तक सुननी पड़ती है, मानो जैसे गरीब होना एक शाप हो। अब ये तो हो गया अत्याचार का हिसाब, लेकिन उनकी मुश्किलों की बात करें तो मुश्किलों का कोई हिसाब नहीं है। एक गरीब रिक्शा वाले की जिंदगी बहुत ही मुश्किलों से भरी होती है। एक तो ई रिक्शा आने के बाद रिक्शा वालों की परेशानी बहुत बढ़ सी गई है। अब दो वक्त की रोटी का जुगाड़ इतनी ही मुश्किल से हो रहा है तो वो रिक्शा कहां से खरीदे, और ऊपर से इस दुनिया को तो कभी गरीबों की भाषा समझ में ही नहीं आई। लोग बड़े बड़े मॉल्स में शॉपिंग करेंगे और हजारों लाखों रुपए बिना किसी हिचकिचाहट के खर्च कर देंगे, लेकिन यही कोई रिक्शा वाला 1 रुपए ज्यादा भी मांग ले तो रिक्शे वाले को खरी खोटी सुनाने लगते हैं, और ज्यादा गुस्सा आ जाए तो वो उनसे हाथापाई भी कर लेते हैं। वो कहते हैं ना कि मेहनत करो तो उसके बाद जिंदगी खुशहाल हो जाती है, लेकिन यह बात हर जगह लागू नहीं होती। अगर मेहनत करने से पूरा जीवन सुखी होता तो सबसे ज्यादा अमीर इस देश के रिक्शा वाले होते। आपका नाम क्या है? सीताराम। तो सीताराम जी, आप एक दिन में कितना कमा लेते हैं? 200-250 हो जाता है। 200-250। हाँ। और आप लोग जो रिक्शा चलाते हैं इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, बरसात में, तो आप लोगों को क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? पुलिस से संबंधित कोई परेशानियां होती है? पुलिस वाला परेशानी करता है, गाड़ी वाला परेशानी करता है। हम लोग कमाए नहीं होता है, मजबूरी में करना पड़ता है। ऐसा होता है कि मजबूर में काम करना पड़ता है, और जो बेलदारी करता है लेकिन ज़्यादा पैसा ठेकेदार लेकर भाग जाता है, इसीलिए हम लोग रिक्शेबाजी में काम करता है। और क्या परेशानी आती है पुलिस से और लोगों से, गाड़ी वालों से? गाड़ी वाला यहीं में रिक्शा लगाने नहीं देता है, और गाड़ी वाला तंग करता है। किसी तरह की बदतमीजी? हाँ, बत्ती में पुलिस वाला भी तंग करता है, वाले भी तंग करते हैं। हाँ। और जो सर, जो ई रिक्शा जो आए हैं, इससे आप लोगों को क्या परेशानी है? ये जो ई रिक्शा चलते हैं, जो बैटरी वाले रिक्शा चलते हैं, बैटरी वाले, तो उससे आप लोगों को क्या परेशानी है? बैटरी वाला बहुत दिक्कत करता है हम लोग का। हाँ। सवारी लेकर चले जाता है, लेकिन हम लोग का कमाई नहीं होता है। आप एक दिन कितना कमा लेते हैं? 200-250 कमा लेते हैं। 200-250 एक दिन का आप कमा लेते हैं, तो उतने में ई रिक्शा नहीं आ सकती आपको? नहीं जी, ये 50 रुपये किराया देना पड़ता है, 200 रुपये बचता है, मजबूरी में करना पड़ता है। मजबूरी में करना पड़ता है। हाँ। तो ये थी हमारे देश के गरीब रिक्शे वालों की कहानी, जो अपने घर से दूर होकर
दो वक्त की रोटी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें सजेशन दें कि हम की और आगे किस चीज़ पर वीडियो बनाएं।